नमस्कार, स्वागत है आपका जेसीबी न्यूज़ में। खबर आप तक पूरी तरह खोद के। तो आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे पे, महंगाई नींबू की। माफ़ कीजिएगा, हमारे चैनल का बजट कम है तो हमें नींबू की जगह टमाटर उठा के लाना पड़ा। तो इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो महत्वपूर्ण इंसान जो पूरी तरह नल्ले बैठे हुए हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ श्री गोदी जी। नमस्कार भाइयों बहनों। और श्री केफरीवाल। नमस्कार जी। तो बताइए आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? अरे भाई, पहले हमारे मित्र केजू जी बोलेंगे। जी, मैं तो इस मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा कि नींबू 10-10, 12-12 रुपए में बिक रहे हैं। मैं भी दिल्ली वासियों की तरह एक आम आदमी हूँ। मैं नींबू से यही पूछना चाहता हूँ कि भाई, पहले तू दूध फाड़ने का काम करता था और आज तूने हमारी अरे केजू, क्या बोल रहे हो ये? सुनिए, आज तूने हमारी जेबें फाड़ रखी हैं और इतनी महंगी नींबू खरीद के मेरी भी फटी हुई है। जेब नॉटी बॉय। और जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें जरूर गोदी जी का हाथ है, लेकिन मैं अपने दिल्ली वासियों को दुखी तो नहीं देख सकता। तो मैं उनको नींबू तो फ्री नहीं दे सकता, लेकिन सिट्रिक एसिड जरूर फ्री में दे सकता हूँ। आप आइए हमारे सरकारी स्कूलों में और वहाँ से सिट्रिक एसिड उठा के लेके जाइए, क्योंकि आजकल मैं भी उसी से शिकंजी बना के पीता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो गोदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सुंदर जी, मैं आपके इस प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस फटी को सीलने के लिए हमने एक योजना बनाई है, और इस योजना के अंतर्गत सभी लोगों को नींबू खरीदने के लिए लोन दिया जाएगा, और ये लोन हमारे छानी जी देंगे। देखा जी, मैं कह रहा हूँ कि ये छानी जी और ये गोदी जी मिले हुए हैं। केजू, ऐसी बातें टीवी पे नहीं किया करते हैं, ऑफिस में। आपको बता रहा हूँ, पूरे देशवासी को बता रहा हूँ, इसमें गोदी जी का हाथ और छानी जी का हाथ मिला हुआ है। आपको बता रहा हूँ, पूरे देश जी हमारे इसमें गोदी, हमारे छानी जी जी का। चर्चा हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शांत रहो ना भाई। पेटीएम पर दो नींबू मिले हैं। अरे शांत रहिए, आप चुप रहिए। गोदी जी, आप बोलिए।